9 बजे के टाइम पर एलबी नगर पीएस में एक गाड़ी को पकड़े, एक गाड़ी माल पकड़कर गौशाला लेकर जा रहे थे। और ही वहाँ के लोग जो कि बाजार घाट के और मंगल हाट के रहने वाले वो लोग कदर मोहतरम से बात करें, कदर मोहतरम ने डीसीपी एलबी नगर से बात करके इनके माल को, बड़े माल को छुड़वाने लगाए, बड़े जानवर को। और एक 3 गाड़ी माल मल्लापल्ली से आ रहा था, सागर रोड के ऊपर चेकपोस्ट पर रुका लिए थे। और एक अफसोस की बात है कि डॉक्टर सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी पुलिस के कांस्टेबल हो या जमदार हो या ऐसे ही हो, ये लोग जानवरों को रुका रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मजम्मत करती है। और तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं और सदर मोहतरम की हिदायत थी मुझे और हमारे शोबे तंजीम के इंचार्ज जनाब समद बिन अब्दास साहब और हमारे कारपोरेटर्स जनाब हुसैनी पाशा साहब, जफर खान साहब और तमाम लोग मिलकर तकरीबन 9 बजे से लेकर अब तक इन जानवरों के गाड़ियों को भी छुड़ाने लगाए। और जो एरिए के मुकाम के जानवर लेकर जा रहे थे वो मुकाम तक लाकर वो लोग को पहुँचाए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहती है। और आज भी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 24 घंटे खिदमत कर रही है कि रच्चाकुंटा सीपी का लिमिट हो या साइबराबाद सीपी का लिमिट हो या हैदराबाद का हो या तेलंगाना के कई एसपीस के एरिए हो, जैसा कि कली महबनगर दीक्षित के तकरीबन 40 जानवरों को 9 गाड़ी माल सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वो माल छोड़ता है। तो मैं मौके के ऊपर जितने लोग जानवर बाजारों से खरीद कर ला रहे हैं उन लोगों को मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जिस मुंडेदार से और जिस चौधरी के पास से जानवर खरीद रहे हैं उनके पास से डॉक्टर सर्टिफिकेट लीजिए। आप बगैर डॉक्टर सर्टिफिकेट के जानवर को मत आइए, क्योंकि बीच में कई जगह लोग सरंगेदी कर रहे हैं। यहाँ पर भी एलबी नगर पे भी कुछ लोग रोडिज्म गुंडागर्दी करके गाड़ी रुका कर गाड़ी में से लोगों को उतार कर उन लोग के ऊपर हमला भी करे। फौरी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर बर वक्त मैं और हमारे समद बिन अब्दास साहब, हमारे कारपोरेटर हुसैनी पाशा साहब और हमारे जफर खान साहब पूरे वहाँ पर पहुँच गए। और डीसीपी साहब ने तयफ़ुन दिया है कि साहब उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा क़ानून के दायरे में रहकर काम करती है और ये लोग कानून को हाथ में रख लेकर और रोडों के ऊपर आउटर रिंग रोडों के ऊपर गुंडागर्दी, रोडिज़म और लोगों को मार रहे हैं। तो इस चीज़ की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पुलिस के आला अहदेदारों को भी यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग सीसी कैमरे चेक करिए, इन लोगों की निशानदेही करिए और इन लोगों के ऊपर केस, जो कानूनी तौर पर जो केस बुक होता है वो केस बुक करिए। और तकरीबन 15 दिन से हम पूरे मजलिस इत्तेहादुल साहब, जफर खान साहब, नवाजुद्दीन अहमद साहब, कारपोरेटर जनाब हमीदुद्दीन आरिफ साहब, इन लोगों को जिम्मेदारी दी है। बराबर हम 24 घंटे आवाम की खिदमत में हैं, जहाँ कहीं भी ऐसा वाकया होगा तो फौरी आप हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के रफ में आइए, फ़ोन करिए। बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों की खिदमत के लिए है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करता है। और कल जो जानवर सदर मोहतरम छुड़ाने लगाए, हमारे हिंदू भाई, दलित भाई जो काश करते हैं खेतों में, उनके भी जानवर ये गौरक्षक रुका लिए थे, वो जानवरों को भी छुड़ाने लगाए। और सदर मोहतरम एक ऐसे खाए थे हमेशा सेक्युलरिज्म के ऊपर काम करते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाई का काम करते हैं। मैं इस मौके के ऊपर जो ये जानवर छुड़ाने लगाए सदर मोहतरम, मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने इतनी रात को भी डीसीपी साहब से बात किए और ये जानवर छुड़ाए।
शुक्रिया, खुदा हाफिज़।